There. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, agar aap aasani se aur bilkul saral tarike se English sikhna chahte hain to aaj hi aap hamare channel देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास मीन्स डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे वीडियो देखने वाले हैं या यूट्यूब से सीख रहे हैं या जो मेरे क्लास में आकर सीख रहे हैं, मैं उनको इतनी सरलता से एक्सप्लेन करूँ, इतनी सरलता से उनको समझाऊँ कि उनको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए. एक बिल्कुल ही कम इंग्लिश जानने वाला जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानता उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करता हूँ. और आप मेरे वीडियो देखो, रेगुलर देखो. मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने हमारा वीडियो रेगुलर देखा तो आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू सम स्पेशल थिंग्स. मीन्स आज की क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल थिंग्स पढ़ाऊंगा जो बहुत ही काम की चीज़ है और ज़्यादा यूज भी होता है, बट यूज़ करते वक्त काफ़ी लड़के गलतियाँ करते हैं. तो वही मैं चीज़ बताऊंगा कि कहाँ पर गलती करनी नहीं है, मतलब किस तरह के सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो जो आप हर वीडियो में देखते हैं. तो लेट्स वॉच. Happy Republic Day, Priti. Same to you, Surekha. Hey. Hi. Happy Republic Day. Same to you. Happy Republic Day. Same to you. I am very glad to see the Indian flag in your hand. Yes, I love my country. I'm proud to be an Indian. Do you know why we celebrate 26th January as a Republic Day? Yes, on this day our India was constituted. Who wrote our constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. And do you know, Priti, on this day the main function is held at Red Fort. The Prime Minister unfurls the national flag. Oh, very good, very good. You know everything. Yes. Where were you going? I was going to the city ground to see the program of the Republic Day. We are also going there. Oh, really? Yes. Then let's go. Okay, let's go. फ्रेंड्स, तो ये मैंने सेंटेंस पहले से लिख के रखे हुए हैं. इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रीपोजिशन या तो क्वेश्चन वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है या तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, एकदम अंत में इस्तेमाल होता है. दो तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं और दोनों तरीके से ही आप बोल सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आसानी लगे. तो हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस, तुम किससे बातें कर रहे थे? तो तुम किससे बातें कर रहे थे? तो टू होम वर यू टॉकिंग. टू होम वर यू टॉकिंग. अगर आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ तो मैं बोल रहा हूं उसे आप समझ लेना. ठीक है, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा नहीं लिखा है मैंने. तो टू होम वर यू टॉकिंग. दूसरा तरीका क्या है? Who were you talking to? ठीक है फ्रेंड्स, Who were you talking to? अभी अब आप किसके लिए रो रही है? तो for whom is she crying? For whom is she crying? ये प्रीपोजिशन देखो आप, एक पहला सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से ठीक पहले लगा है और दूसरे सेंटेंस में सेंटेंस के ठीक अंत में लगा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर हुम इज शी क्राइंग. दूसरा तरीका है हु इज शी क्राइंग
श्योर। मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका बताता हूँ नीचे वाला, तो उनको अजीब जैसा लगता है, लगता है कि हु इज सी क्राइम, कौन रो रहा है, कौन हुआ रो रहा है, ऐसा नहीं लगता, कुछ गड़बड़ जैसा। गड़बड़ कुछ नहीं है, हु इज सी क्राइम फॉर लास्ट में लगा रहे हैं हम, तो वो वही अर्थ हो जाता है जो ऊपर वाला अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन सीखना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे भले ही एक ही सेंटेंस इस्तेमाल करो हमेशा, लेकिन दोनों सेंटेंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सामने वाला कौन सा यूज़ करता है आपको क्या पता, इसलिए दोनों का जानकारी होना ज़रूरी है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तो इन विच क्लास डू यू रीड, या स्टडी भी लिख सकते हैं हम। दूसरा तरीका है विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, भले ही नीचे वाला जो सेंटेंस है थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये भी तरीका है बोलने का और बोलते भी है काफी लोग। तुम किसके साथ घूमने का इरादा रखते हो? With whom, किसके साथ? तो with whom do you intend to travel? With whom do you intend to travel? ठीक है, दूसरा तरीका who do you intend to travel with? Who do you intend to travel with? बेशक नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा पता जैसा लगता है, बट विथ होम डू यू इंटेंड टू ट्रेवल ये थोड़ा ईजी लगता है। इसके लिए बोलने के वक्त इसी का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और अभी इसी का करेंगे, बट इसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस है जिसमें हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि ये पता चले आपको कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में जिसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल या तो क्वेश्चन वर्ड से पहले ही करते हैं या सेंटेंस के ठीक अंत में करते हैं, बिल्कुल ही लास्ट में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक और क्लास, और अब तक का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।